शुक्रवार से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जिसको लेकर कोठा परचा टाट शाह इमाम मौलाना शमसुल कमर कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह का एहसान जो हम सबको इंसान बनाया और तमाम नेमतों से नवाजा और रमजान का महीना तशरीफ ला रहा है। यह महीना रहमतों और बरकतों का महीना है और इसमें बंदों के लिए रहमत ही रहमत है, सुबह शाम रहमत है। उन्होंने कहा कि महीना अपने आप को बख्शवाने का महीना है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि यह महीने में नमाजों का एहतियातम करें और कुरान पढ़ें और कुरान सुने, चांद देखकर तरावी पढ़ें और फितराओ जकात अदा करें और इस महीने का शानदार खैर मकदम करें। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है जिसने हमें इंसान और मुसलमान बनाया। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना तशरीफ ला रहा है। आज से नमाज तरावी शुरू है और कल से पहला रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर करम फरमाया एक बार फिर हम सब पर। उसने हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत और मग़फ़िरत वाला महीना दोबारा हमें अता फरमाया। ये महीना बबरकत और रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। इसमें बंदों के लिए रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। सुबह शाम अल्लाह की रहमतें बंदों पर नाजिल होती हैं। सैकड़ों हज़ारों लोग इस माह मुबारक में अल्लाह की अताओं से बख्शे जाते हैं और मग़फ़िरत के हकदार होते हैं। हमारे इस मरकज़ी जामा मस्जिद टाट शाह में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ की मुंतज़मा कमेटी और सरपरस्त और तमाम हजरात यहाँ पर, यहाँ के मुसल्लियान नमाजी हजरात सब मौजूद हैं। खसूसियत के साथ फाजिल बगदाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार हसन साहब फाजिल बगदाद, मस्जिद मुंतज़मा कमेटी के नायब सदर मुहिब गिरामी जनाब कमल भाई आए, मुतवल्ली साहब जनाब सराज रख साहब और तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। सबकी मौजूदगी में मैं अपनी कम्युनिटी से, मुसलमानों से अपील करता हूँ इस माह मुबारक में इंतहाई एहतमाम करें नमाज का, तिलावत का, ज़िक्र अज़कार का, खैर सगाली का, इसलिए कि ये ऐसा महीना है जो साल में एक बार आता है। ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि इस इबादत और रियाजत और बरकत वाले महीने का शानदार खैर मकदम करें, अपने रब के हुजूर नमाज़ें पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, नमाज तरावीह की पाबंदी करें, चाँद देख करके तरावीह पढ़ें और चाँद देख करके तरावीह बंद करें। कुरान पाक मुकम्मल एक बार सुनना मुस्तहब है, ज़रूरी है, और भी तौफीक मिले तो जितनी बार हो सके वो नमाज तरावीह में कुरान पाक को सुने। हमारे यहाँ जामा मस्जिद टाट शाह में रमज़ान शरीफ में क्योंकि नमाजियों की कसरत होती है, आसपास ताजर हजरात हैं, इसलिए ईशा की नमाज में और उसकी जमात में थोड़ी सी तरमीम है। अजान ईशा होगी 8:30 बजे, जमात ईशा होगी 9:45 बजे और तरावीह शुरू होगी 9 बजे इंशाअल्लाह। नमाज तरावीह में कुरान पाक सुनाया जाएगा और उसके बाद तफ़सीर कुरान का भी अहतमाम। साल में जो हिंदू भाइयों का नवरात्र भी चल रहा है, ऐसे में अपने लोगों को क्या खास हिदायत देंगे आप? अच्छा, देखिए ये वतन अपना है, ज़मीन अपनी है, दरो दीवार अपने हैं। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर मकतब फ़िक्र को और हर मज़हब और धर्म के मानने वालों को अख्तियार दिया है अपने अपने धर्म के एतबार से, अपने अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदगी गुजारें। हमारा रोज़ा है और उनका भी कोई त्यौहार है तो अपने एतबार से सब मनावें, हर एक के लिए खैर पेश करें, मोहब्बतें पेश करें, भलाई पेश करें, किसी में चैन है, आफ़ियत है, राहत है, चैन सुकून है।